नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम टिकोमा के फूलों के साथ। ये एक ही वाइन में वाइट कलर के ढेर सारे टिकोमा के फूल खिले हुए हैं। तो आज हम ऐसे कुछ पौधों के बारे में बातें करेंगे जो कि ना सिर्फ हमारे गार्डन में ग्रीनरी को बढ़ाते हैं बल्कि वो प्लांट औषधीय भी होते हैं। मतलब वो कई तरह के रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। उनमें से पहला प्लांट है अजवाइन का प्लांट। तो इसकी ये छोटी बड़ी बड़ी सी है ना थोड़ी पत्तियाँ होती हैं और इनको आप काट के पराठों में भी डाल सकते हैं या फिर आप इसको सब्जी में डाल सकते हैं और इसको पकौड़ों में भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पेट में दर्द रहता है तो सुबह सुबह खाली पेट इसके 2-3 पत्ते खा लेने से पेट की सभी जो समस्या ख़त्म हो जाती है। और अगर इसके प्रोपोगेशन की बात करें तो ये प्लांट कटिंग से आसानी से लग जाता है। हमें बस इसकी इतनी छोटी सी कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में लगा देना है। तो कुछ ही दिनों के बाद इसकी रूट्स चल जाती है और छोटे से छोटे गमले में भी ये प्लांट चल जाता है। और अगर नर्सरी से आप इसे लाना चाहे तो नर्सरी पे भी ये प्लांट आसानी से मिल जाता है 20 या 30 रुपये में। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। और अगला प्लांट है एलोवेरा का प्लांट। तो एलोवेरा का प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिनके मतलब पथरी होती है या गुर्दे में पथरी होती है तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसका जूस निकाल के आप मतलब पथरी वाले इंसान को दे सकते हैं और इसका जेल निकाल के आप बालों में भी लगा सकते हैं जिनके बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं और उन जिनके ज़्यादा बाल टूटते हैं। तो इसका जेल लगाने से बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं और बाल टूटने भी बंद हो जाते हैं। और इसको आप अपने चेहरे के ऊपर भी लगा सकते हैं गर्मियों में, जैसे कि कई बार हमारे चेहरे के ऊपर कील मुहासे निकल आते हैं तो इसका जेल लगाने से सभी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं, स्किन की भी, बालों की भी और पेट की भी। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों, अगर इसके प्रोपोगेशन की बात करें तो इसके नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं तो इनको आप अलग अलग करके लगा सकते हो और ये छोटे से छोटे गमले में भी आसानी से लग जाते हैं। तो अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये 20 से 30 रुपये में नर्सरी से मिल जाता है, जो एक छोटा प्लांट मतलब बेबी प्लांट। ये प्लांट हमारा फुल सनलाइट में रखा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा है ना ये सूखा सूखा सा हो रहा है, लेकिन ये अंदर से इसमें जेल भरा पड़ा है। और एक और प्लांट है जो हमारे मतलब कि इंडोर में रखा है और वहाँ पर उसके ऊपर थोड़ी बहुत ही धूप आती है तो वो एकदम ग्रीन कलर का है। तो दोस्तों, इस वाले प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और अगला प्लांट है मरवे का प्लांट। तो मरवे का प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। अगर किसी बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं तो आप इसके 5-7 पत्तों को पीस के और बच्चों को पिला देंगे, अगर बच्चे को पिला देंगे तो उसके पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। और अगर जिस तरह से हमारे नाक में किसी तरह की फुंसी हो जाती है या दर्द होता है तो आप इसके फूल को तोड़ के सूंघ सकते हैं तो इससे भी बहुत आराम मिलता है। और कई लोग इसकी चटनी बना के भी खाते हैं और ये पेट की सभी समस्याओं का समाधान करती है। मतलब पेट में जो भी हमारे पेट में दर्द वगैरह होता है तो उसमें ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो इस प्लांट को भी हमें अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। ये प्लांट ग्रीनरी के साथ साथ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इस ये प्लांट सीड से आसानी से लग जाता है। इसमें ये जो आपको ब्लैक कलर के ये दिख रहे हैं, ब्लैक कलर के ये जो सीड दिख रहे हैं इनसे ये आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इस मतलब और अगर इसको आप नर्सरी से लाते हो तो भी ये 20 से 30 रुपए में आसानी से मिल जाता है। और अगला प्लांट है ग्लोय, मतलब ग्लोय की बेल। तो ग्लोय की बेल तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। आजकल जो ये कोरोना चला हुआ है इसमें तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, मतलब रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाती है। और इसका आजकल लगभग सभी घरों में
काढ़ा भी बनाया जाता है, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। तो अगर इसकी कटिंग मतलब प्रोपोगेशन की बात करें तो ये बिल्कुल कटिंग से लग जाती है। इसकी 4 से 5 इंच बड़ी कटिंग लेनी है और हमें सैंडी सॉइल में ग्रो कर देनी है, तो ये आसानी से ही चल जाती है। तो इस वाले प्लांट को भी हमने लास्ट ईयर कटिंग से लगाया था और अब आप देख सकते हैं कितनी मोटी हो गई है इसकी ये वाली स्टेम। तो हम इसकी बस हमें पेल्सिन के इतनी मोटी पेल्सिन के बराबर की ही हमें कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में लगा देना है। तो आप इसकी कटिंग अपने पड़ोसी से भी ला सकते हैं या फिर इसका तैयार प्लांट नर्सरी से भी ला सकते हैं। अधिकतर घरों में आजकल ये मतलब गिलोय की बेल मिलती है, क्योंकि ये रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है और नर्सरी के ऊपर भी लगभग सभी नर्सरी के ऊपर ये ग्लोय की बेल मिल जाती है और इसका प्राइस 20 से 30 रुपए में आसानी से ये मिल जाता है। तो दोस्तों इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। और अगला प्लांट है कढ़ी पत्ते का। तो कढ़ी पत्ते को आप दाल में, कढ़ी में या सांभर में तड़के के रूप में डाल सकते हैं। और यदि आपके बाल झड़ते हैं तो आप इस मतलब कढ़ी पत्ते को इनको पीस के और अपने अगर बालों में मालिश करके 1-2 घंटे के लिए रख लेते हो तो फिर इससे बालों की जड़ें भी मजबूत होती हैं। और ये बहुत ही सुंदर ग्रीनरी को बढ़ाने वाला प्लांट होता है और इसको मीठा नीम के नाम से भी जाना जाता है। और अगला प्लांट है तुलसी जी। तो तुलसी जी का प्लांट भी बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ पर मतलब हिंदू धर्म में तुलसी जी की पूजा की जाती है, लेकिन ये औषधीय तौर पे भी बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर हमारे बच्चों को या बड़ों को सर्दी खांसी होती है तो हम इसकी 4-5 पत्ती चाय में डाल के अगर पिला देते हैं तो सर्दी खांसी में बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। और आजकल जो हम अपने घरों में कोरोना से बचने के लिए काढ़ा बनाते हैं तो उसमें भी तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। और दोस्तों ये तुलसी जो है इसके बीज से आसानी से ग्रो हो जाती है। ये जो इसके ये फ्लावर हैं इनके अंदर इनके बीज भरे हुए होते हैं, तो इनको आप इस तरह से मसल के और डाल सकते हैं और इसके से फिर ढेरों प्लांट बन जाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे ये ब्लैक से छोटे छोटे से जो ये हैं ये इसके सारे सीड ही हैं। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो 20 से 30 रुपये में नर्सरी के ऊपर ही तुलसी जी का प्लांट आसानी से मिल जाता है। और लगभग हर घरों में तुलसी जी के पौधे को लगाया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी जी की पूजा की जाती है। तो हमें इस प्लांट को भी अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, पूजा के तौर पर भी और आयुर्वेदिक तौर पे भी तुलसी जी का प्लांट बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों हमने जो प्लांट बताए हैं वो सभी प्लांट औषधीय हैं और हमें रोगों से बचने में मतलब रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। तो आप इन सभी प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।